in this class we will explore the things related to transmission media. Okay, देखिए इस क्लास में हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें एक जो टाइप है वायर्ड मीडिया, ठीक है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. देखिए ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स पढ़ने से पहले, कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड एज मीडियम. कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट होना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आपको एक बीच में मीडियम की जरूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना है कहाँ पे, लैपटॉप में, तो आपको डेटा केबल चाहिए. तो डेटा केबल यहाँ पे क्या हुआ है, मीडियम. ओके, सो कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड एज मीडियम. अब ये जो मीडियम है दो टाइप का हो सकता है. जैसे देखिए ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है. ए से बी तक कम्युनिकेट करने के लिए या तो वायर के थ्रू हो सकता है या सैटेलाइट के थ्रू होता है. सैटेलाइट के थ्रू होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वायरलेस. ओके, सो वी हैव टू कम्युनिकेशन, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वायर्ड एंड वायरलेस. ओके, अब देखिए जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन देखा है कि ट्रांसमिशन मीडिया दो पार्ट में होती है, गाइडेड या वायर्ड मीडिया. वायर्ड मीडिया का मतलब क्या है, इसमें हम केबल या वायर का यूज करते हैं, इंक्लूड केबल एंड वायर. इसी तरह अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो यहाँ पे हमको पता है, मालूम है कि यहाँ पे कोई वायर का यूज नहीं होता है. बट वायर का यूज नहीं होता है फिर भी कम्युनिकेशन होता है. तो क्या यूज होता है, यहाँ पे वेव्स का यूज होता है. वेव्स के अंदर क्या आते हैं, एयर, वैक्यूम, वाटर. ओके, इनकी हेल्प से कम्युनिकेशन होता है. ओके, अब जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम देख चुके थे पहले क्रूसिफेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये किसके अंदर आते हैं, गाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं. और अगर हम अनगाइडेड की बात करते हैं यहाँ पे, माइक्रोवेव, लिंक, इन्फ्रारेड, ओके, बहुत सारी चीजें इसमें अनगाइडेड मीडिया में आते हैं. अब देखिए कौन सा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया अच्छा होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर. ओके, हमको कौन सा मीडिया यूज करना चाहिए ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर पे. देखिए वो फैक्टर क्या है, ट्रांसमिशन रेट. पहला फैक्टर क्या है, ट्रांसमिशन रेट, किस रेट से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये दूसरा क्या होता है, कॉस्ट एंड इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, उसकी कॉस्ट क्या है और उसको इंस्टॉल करना आसान है या नहीं. अगर ये दोनों चीजें हैं, कॉस्ट एंड इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, ये अगर है तो बेटर रहेगा हमारे लिए. फिर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशन. अब एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए कभी मौसम खराब हुआ, कभी बारिश हुई, कभी धूप हुई, तो ऐसी जो कंडीशन आती रहती है उनमें अगर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करता है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो हमारे लिए अच्छा है. फिर क्या है, डिस्टेंसेस. अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना है तो वो हमारे लिए अच्छा है. तो ये चार फैक्टर हैं, अगर ये चार फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन मीडिया हमारे लिए अच्छा है. ओके.